बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साईं कायम अली शाह साहब, तांजे सूबा सिंध पीपुल्स पार्टी जो सदर निसार अहमद खोड़ो साहब, मीरपुर खास डिवीजन जो सदर पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब, हिते स्टेज पे वेठल अगूणा एमएनए एमपीएस सेनेटर्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तंजीम जा मानू ऐं इते सामू लखन जी तादाद में जेके मुझा भाईर थरवासी ता सपनी के अस्सलाम वालेकुम जिए भट्ट। सभी का पहरी तो इते असांजा जेके हिंदू भाईर आहिनि जेके दिवाली जो त्योहार था मनाइन, उन सबको दिवाली की दिल से मुबारकबाद। और चेयरमैन साहब ने इस मौके पे हर आने का जो प्रोग्राम बनाया, खास तौर पे ऐसे मौके पे जब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हमें भाईचारगी और इंसानियत का सबक बताना है, खास तौर पे जो इस वक्त फलस्तीन में इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है, उस सिलसिले में यहां आना और अपनी हिंदू बिरादरी के साथ यकजहती का इजहार करना, चेयरमैन साहब यहां आज आए हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाली हैं, और जैसे इधर पहले मुकर्ररीन ने कहा, अगर किसी को शक है अभी भी कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कोई और से हो सकता है, अपनी आंखें खोले और इस अजीम शान जलसे को इस थर के सेना में, जहां पे आज से 10-12 साल पहले किसी का आना भी मुश्किल था, इसको देख ले और पता चल जाएगा कि इस मुल्क का अगला वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। इस वक्त जो लोग सोच रहे हैं कि मुश्किल वक्त में मुल्क से फरार हो जाए और जब अवाम का इम्तिहान लेना हो तब आए, उन्हें ये जलसा देख के समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है वो वापसी का टिकट कटा ले, इसलिए कि 8 फरवरी के बाद दोबारा इस मुल्क से बाहर होंगे। ये मैं कह रहा हूं, ये कैमरास देख रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, ये नजारा देखने के बाद सबको पता, ये जगह हमें आपको तो पता है, लोगों को पता नहीं है। आज से जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में पहले तक यहां से एक शख्स आया था जो झूठा मैंडेट लेके वजीर आजम भी बन गया था, उस वक्त में कराची से इस जगह पहुंचने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे। अब कराची से अगर किसी ने मिट्टी पहुंचना हो तो 3.5-4 घंटे में पहुंच जाता है, अगर उससे भी ज्यादा जल्दी है तो ये एयरपोर्ट बना हुआ है जो हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाया है, वो जहाज में बैठ के थर पहुंच जाता है। और
इस थरपारकर की किस्मत, इसलिए कि इस थरपारकर के अंदर जो खजाना है, जो थर का कोयला है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था, वो सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आके पूरा किया है। और इंशाल्लाह ताला हम नारा लगाते हैं ना, थर बदलेगा पाकिस्तान। आज ये नजर आ गया है, थर ने पाकिस्तान बदल दिया है। थर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वजीर आजम बना के पाकिस्तान को एक ऐसे मकाम पे पहुंचाएगा जो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ख्वाब देखा था, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक विजन था, उसको बिलावल भुट्टो जरदारी आके पूरा करेंगे। आपके यहाँ मुकर्रर बहुत हैं, मैं अगर तकरीर करने लग जाऊं कि थर में पीपुल्स पार्टी ने क्या क्या किया है, तो यहाँ पे ये सिर्फ लोग जो मोहब्बत में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मोहब्बत में आए हैं, वो मोहब्बत इसलिए है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने थरपारकर को अपना समझा है। इससे पहले आप सब किसी जाबिर, किसी जालिम के डर से आके वोट देते थे। अब हमारी थर की बहनें और थर के लोग अपने दिल से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देते हैं, और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने थर को अपना समझा है। थर में तरक्याती काम जो कराए, अभी महेश मलानी साहब ने आपको बताया, और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बन के थर की तरक्की को एक और मकाम पे पहुंचाएंगे। और जो बराबर में हमारा मुल्क है ना, वो भी रश खाएगा कि ऐसे लीडर काश उस मुल्क में होते जो थर की तरह, जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान को थर की तरह बना के। और ये जो आप आवाम देख रहे हैं, ये आवाम देखने के बाद कराची के लोग, लाहौर के लोग, क्वेटा के लोग, पिशावर के लोग सब सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी सी जगह पे, मेरा ख्याल है अभी ये जो हमारे साथ सांसद थर की आबादी भी इतनी नहीं है जितने लोग इधर जमा है। और इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे कहा और मुकर्रर भी हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक नारा लगाऊंगा। अदा मुझे कि आखिर में बिठाए ना था, मुझे तो नजर कौन थी बजे उस ताई, पर ताँ जो आवाज इतने बिलावल साहब ताई पहुंचे, ताँ जो आवाज सजे पाकिस्तान में पहुंचे, तो जिए खबर पे तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं भुट्टो खानदान थर जे आवाम जे दिल जी धड़कन आए। और नारो लगाइंदुस आखिर ताई, मुखे जवाब दिजो जोरदार, नारे भुट्टो। ताजी मेहरबानी।